पहले तो अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम प्रधान अनुराधा मौर्य, पत्नी जय विकास मौर्य, ग्राम पंचायत गोसाईपुर महा, विकास खंड अरुआ, जिला वाराणसी। पहली बार प्रधान हुई हैं आपकी पत्नी? पहली बार। इससे पहले राजनीतिक? जी, मैं दो बार चुनाव हारा, ये तीसरी बार। पत्नी कितने वोटों से चुनाव जीती हैं? पत्नी जो है 853 वोट से चुनाव जीती है। विकास के क्रम में गांव में क्या क्या छूट चुका था जिसके लिए आपको चुनाव में आने की आवश्यकता पड़ी? बहुत कुछ छूट गया था सर। हर कस्बे में पहले तो रोड रास्ते गड़बड़ रहे, जिसे दुरुस्त कराने की जो है हर स्तर से हमने कोशिश और प्रयास करने, और जनता में हमने ये कहा भी था कि जब मैं आ जाऊँगा तो कहीं ना कहीं जो भी छूटा हुआ है, जो भी इस सिस्टम में से गड़बड़ी है, उसे दुरुस्त करेंगे और जनता को पूरी तरह विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, विकास करा के उनको जो है उसके जो है पूरा करेंगे। विकास के क्रम में क्या क्या समस्याएं ग्रामीण स्तर पे झेल? ग्रामीण स्तर में चकमार्ग है, चकनाली है, जो चकमार्ग आज तक अधूरे हैं, जो मिट्टी से मिट्टी ही रह गए, लेकिन 21 के बाद हमने हर पहलू में प्रयास किया कि उस पर खड़ंजे लगाए, इंटरलॉकिंग के निर्माण कार्य कराए, जहाँ माताएं बहनें जो है पूजा करती हैं उस स्थल को हमने निर्मित कराया, उसकी बाउंड्री कराई, उसमें गेट लगाया। पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, उसे भी आगे लक्ष्य में रखे हैं, वहाँ पेयजल की भी व्यवस्था हो जाए, जहाँ हमारी माता बहनें जो है पूजा पाठ करती हैं। ग्राम सभा से जो कायाकल्प के तहत कायाकल्प के अंतर्गत हमने हर विद्यालय में टाइल्सीकरण कराया। दो विद्यालयों में हमने जो है दिव्यांग शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, उसे हमने पूर्ण किया। अधूरे में पड़ी थी 3 आंगनवाड़ी, जो पूर्व कार्यकाल में जो छत डालकर छोड़ दी गई थी, उसे जब जनता ने हमें उस जगह पर बिठाया तो हमने 3 आंगनवाड़ी को जो है पूर्ण किया, उसे अच्छे ढंग से बनाया, जिसमें लाइट, बिजली, बत्ती, पंखे सब कुछ करा कर जो है उनको जो है हर आंगनवाड़ी को जो है उनको चाबी हैंड ओवर करा दी। मौर्य जी, हम ये पूछना चाहते थे कि जो पंचायत राज से बजट काट के कायाकल्प के तहत शिक्षा विभाग को दे दी गई जी, इस पे आपका क्या नज़रिया है? अच्छी नज़रिया, इसलिए कि हमारे गांव के हर परिवार के बच्चे ही उस विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां जो है काफ़ी कमरों में गंदगी जैसी स्थितियां पाई गई थी, जिससे बड़े रोगों की आशंका भी बन रही थी, कीड़े मकोड़े मच्छर रहते थे, लेकिन अब उसको टाइल्सीकरण कर देने से वह साफ़ सुथरा है, हर दिन पोछा झाड़ू लग जाता है, तो यह स्वच्छता के अंतर्गत आता है और हमारे गांव के बच्चे जो है अच्छे ढंग से पढ़ लिख पाएँ, उनके कपड़े भी गंदे ना हो। रिबोर की बात आपने करी, 16 हैंडपम्प आपने बताया कि मैंने रिबोर कराया। रिबोर के बाद जो एसेट्स बच रहे हैं, उस एसेट्स टाइट वित्त में फंड ना होने के कारण एसेट्स बचे हैं, और उसे भी हर पहलू में प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे भी आ जाएगा, जहाँ भी समस्याएँ हैं, अगर उससे पहले NLT कंपनी जो हमारे गांव को पेयजल घर घर नल दे देती है तो उनको रिबोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उसमें देर होती है तो पेयजल को देखते हुए, भाई NH की इस पार उस पार है, राहगीरों को आने जाने में पानी लेने में परेशानी होती है, ग्रामवासियों को परेशानी होती है, इसलिए जो है NH में बच्चे या उनके घर की फैमिली बल्टी लेकर जाती है, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, लोग इस पार उस पार के चक्कर में एक्सीडेंट की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए जो है जब भी आगे भी आता है तो उसको रिबोर कर देंगे। उससे पहले अगर एनर्जी कंपनी हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था कर देगी तो रिबोर की आवश्यकता नहीं। मैंने पूछा रिबोर में जो रद्दी पाइप निकलती है, उस पाइप को स्टोर करते हैं उससे स्टोर करके हमारे ग्राम पंचायत निधि का अकाउंट है, अगर हम उसको स्टोर करके किसी कबाड़ को देते भी हैं तो वो पैसा जो है पंचायत के अकाउंट में जमा हो जाता है। जमा। विकास के क्रम में ऑफिशियली सहयोग अधिकारियों से मिलता है, क्या अनुभव रहा है? देखें, ये तो अच्छी बात है कि हम जिले से लेकर विकास खंड तक जिन भी अधिकारी के पास गए, जो समस्याएं थी हमने अवगत कराया, तो उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला, और हमारी इच्छा भी रहती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर ज़िले में बैठे अधिकारीगण हैं, विकास खंड के हमारे BDO साहब हैं, अगर उस कार्य पे एक बार जो है आते हैं लोग, बुलाने पे आ भी जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबके उपस्थिति में निर्माण कार्य हो, विकास हो, जिससे कि हर व्यक्ति
को संतुष्ट करना जरूरी है, गाँववासियों को संतुष्ट करना जरूरी है कि कार्य जो हो रहा है अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, इस क्रम में जो है सबका सहयोग मिलता है।